हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हाल ही में रिलीज हुई बहुत ही पॉपुलर एनिमेटेड सीरीज़ के बारे में। इसका नाम है विंड ब्रेकर। विंड ब्रेकर की शुरुआत वहाँ से होती है जब एक लड़का अपने सपने में रस्सी पर चल रहा होता है और बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसके आसपास खड़े लोग उसे डिमोटिवेट करते हैं, इसकी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो उठ जाता है और वो गुस्से में शहर की तरफ निकल पड़ता है। वो बहुत ही गुस्से में होता है और शहर की तरफ जा रहा होता है, और शहर की तरफ जाते हुए कहता है कि मुझे सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग पसंद है, मुझे कमज़ोर लोगों से कोई मतलब नहीं है। जब वो शहर पहुंचता है वो देखता है कि कुछ लोग एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं और उसे कहते हैं क्या तुम हमारे साथ चलोगी, जिस पर लड़की कहती है कि मेरा मन तो कर रहा है कि बास्केट में रखे सारे अंडे मैं तुम्हारे सिर पर फोड़ दूँ। जब वो लड़की वहाँ से जा रही होती है तो लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है इतना एटीट्यूड, मुझे ऐसी एटीट्यूड वाली लड़कियां बहुत पसंद हैं। तभी हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर वहां आता है और कहता है जो कमज़ोर लोग खुद को ताकतवर समझते हैं वो लोग कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट होते हैं। वो उसको शोल्डर पर पकड़ता है और बोलता है कि तुझे क्या दिक्कत है, तेरे को क्या लगता है तुम उससे बढ़िया है। और तभी अब मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम मुझे पागल कर रहे हो, और वो उसे पंच मारता है और कहता है तुम्हारी क्या दिक्कत है, तुम्हें लगता है तुम बहुत ही ताकतवर हो जबकि तुम नहीं हो, और उसे कहता है कि तुम मेरा नाम अपनी खोपड़ी में घुसा लो और कमज़ोरों को बोलो कि मुझसे दूर रहे और स्ट्रॉन्ग को बोलो कि मुझे ढूंढे। मैं हूँ सकुरा हारुका फ्रॉम फ्यूरन हाई, और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वो लड़की उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है रुको थैंक यू। तभी वो गुस्से में आ जाता है और कहता है मैं ये सब कुछ तुम्हें बचाने के लिए नहीं कर रहा था, उन्होंने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था। फिर वो लड़की उससे पूछती है क्या तुम्हें भूख लगी है, और वो उसे उसके बाद अपने रेस्टोरेंट में ले जाती है और वह उसे कहती है कि तुम यहाँ के नहीं हो सकुरा, मैंने तुम्हें यहाँ कभी नहीं देखा, इस टाउन में बहुत ही कम लोग आते हैं। सकुरा कहता है क्या मैं तुम्हें पागल लड़का लगता हूँ। वो लड़की कहती है मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, पर ऐसे टाइम में बहुत ही सारे गैंग फैले हुए हैं और पब्लिक सेफ्टी ज़ीरो। तब वो लड़की कहती है अच्छा लगा तुमसे मिल के। वो कहता है कि ये मुझसे इतना फ्रेंडली बिहेव क्यों कर रही है, मैंने अभी इसके सामने 5 लोगों को मारा है। तभी वो लड़की कहती है कि तुम बहुत ही डिफरेंट हो, तुमने एक साइड कॉन्टैक्ट लेंस और सफ़ेद बाल किए हुए हैं। तभी लड़का कहता है कि तुम्हें क्या दिक्कत है, और बोलता है लुक्स डोंट मैटर इन फाइट। तभी वो लड़की कहती है कि तुम कुछ खा क्यों रहे हो, वो उसको सुनकर फटाफट खाना खाने लगता है, कहता है कि मैंने ऐसा खाना आज तक नहीं खाई, खाना बहुत ही अच्छा है। आगे कहता है कि जो सबसे बेकार ग्रेड्स के लड़के होते हैं वो फ्यूरन हाई आते हैं, और मैं भी यहाँ सबसे लड़ने आया हूँ और सबका दादा बनने आया हूँ, मुझे सिर्फ लड़ना आता है और मैं किसी से भी फाइट कर सकता हूँ। फ्यूरन हाई के बच्चे बहुत ही ताकतवर होते हैं और वो अपनी अलग अलग गैंग बनाकर रहते हैं। तभी वहाँ से एक कस्टमर जा रहा होता है जो अपना सामान भूल जाता है, तभी सकुरा उसे याद दिलाता है और वो वहाँ से चला जाता है। तब सकुरा शहर में घूम रहा होता है और देखता है कि कुछ लोग आगे तोड़फोड़ कर रहे होते हैं। तभी उनका लीडर सकुरा को कहता है मुझे नहीं लगा था तुम वापस आओगे, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, तुम्हें नहीं कहा था ना तुम मेरा नाम याद रखना। उसके बाद वो सकुरा के बारे में कुछ बुरा भला बोलने लगते हैं। तभी सकुरा सोचता है कि ये लोग जो मुझे इतना डिसरिस्पेक्ट दे रहे हैं, अगर मैं इन सब के सामने इनको मार दूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तभी उसे उस लड़की की बात याद आती है जो उसे कहती है कि तुम फ्यूरन में टॉप पर नहीं आ सकते क्योंकि तुम अकेले हो। तब सकुरा के सामने खड़ा लड़का कहता है कि तुम्हें पंच मारने के लिए गलत लड़के को चुना है, ऐसी कोई गैंग नहीं है जो अपने बॉस की इंसल्ट का बदला ना ले। ऐसा कहते ही सकुरा फिर से उसको एक पंच मार देता है और वो लड़का वहीं पर ही गिर जाता है, और वहीं से उनकी फाइट स्टार्ट होती है। फाइट में सकुरा बहुत से लोगों को बेधड़क पीटना स्टार्ट कर देता है, वो सबको उठा उठा के पटकता है और जो भी उसके सामने आता है वो उसको पीटना चालू कर देता है। ऐसी आवाज़ें सुनकर ताचीबाना बाहर आ जाती है और देखती है कि सकुरा लोगों से फाइट कर रहा है, पर जैसे ही ताचीबाना बाहर आती है वो लोग उसे होस्टेज बना लेते हैं और सकुरा के अंगेंस्ट यूज़ करती है। लेकिन ये देखकर सकुरा को बहुत गुस्सा आता है और वो उछलते हुए किक उस लड़के को एक किक मारता है जिससे वो वहीं पर गिर जाता है और वो फिर से लड़ने लगता है। वो सभी को मार रहा होता है, उठा उठा कर फेंक रहा होता है, उसके सामने जो भी आता है वो टिक नहीं पा रहा होता है। तभी वो उस लड़की को डिफेंड कर रहा होता है जिसकी वजह से वो अच्छे से लड़ नहीं पाता है, और वो अपने आप में सोचता है कि मैं इस लड़की को डिफेंड क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्या हो रहा है।
तभी इसी बात का फायदा उठाकर एक लड़का उसके पैर पर नाइफ से वार करता है। तभी वो गिर जाता है और एक लड़का उसके ऊपर डंडे से वार करने के लिए आता है, लेकिन वो पीछे होके बच जाता है जिसकी वजह से उस पर वार नहीं हो पाता। तभी एक और लड़का उसकी तरफ वार करने के लिए बढ़ता है, लेकिन वो इस सिचुएशन में भी ताचीबाना को डिफेंड कर रहा होता है और अपने आप से पूछता है कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तभी उस पर दोबारा वार होता है, लेकिन वो देखता है कि उसे एक ही दम आकर पीछे में किसी ने बचा लिया है। तभी साकुरा सोचता है कि इसने मुझे क्यों बचाया, लेकिन तभी नोटिस करता है कि इसी ने उस लड़के ने भी फोरिन हाई की ड्रेस पहनी है, और तभी वो लड़का उस लड़के को लात मारता है जिसकी वजह से वो गिर जाता है। तभी वहाँ पर मौजूद गैंग के मेम्बर उसे देखकर डर जाते हैं, लेकिन तभी उसके साथ जो और लोग भी होते हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। साकुरा देखता है कि उनमें से एक मेम्बर ने वहाँ पर खड़े खड़े ही बैट मोड़ दिया होता है जिससे वो चौंक जाता है। तभी वहाँ पर बाकी गैंग मेम्बर आपस में उनके साथ लड़ने लगते हैं। तभी उनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो उनको बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं और वो उन पर काफ़ी भारी पड़ते हैं। इसको देखकर साकुरा चौंक जाता है कि ये मुझे डिफेंड क्यों कर रहे हैं और ये मेरे साथ क्यों है। और उस फाइट को देखकर आसपास के नेबर लोग भी उनके लिए चीरअप करने लगते हैं, जो साकुरा को बहुत ही अजीब लगता है। साकुरा सोचता है कि ये लोग इनको डिफेंड क्यों कर रहे हैं और ये यहाँ पर एक तरह से हीरो की तरह रहते हैं, ऐसा क्यों है। लेकिन 2 साल पहले ये सब बदल गया जब फ्यूरियन हाई के स्टूडेंट्स ने आकर यहाँ टाउन के गेट पर अपना नोटिस लगाया और एक नया गैंग बनाया जिसको वो फ्यूरियन कहते हैं, टाउन की शील्ड है। कुछ साल पहले ये लोग बहुत ही लो ग्रेड स्टूडेंट्स हुआ करते थे, लेकिन आजकल ये लोग इस टाउन के बहुत ही पसंदीदा लोग बन गए हैं और ये गैंग सबके हीरो बन गए हैं और ये लोग इस टाउन में हीरो की तरह रहते हैं, सब लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये सब सोचकर साकुरा को बहुत ही डिफरेंट फील होता है, एक्सेप्टेड है। तभी साकुरा को गुस्सा आने लगता है और ताचीबाना साकुरा की तरफ बढ़ती है और कहती है कि तुम्हारे पैर में चोट लगी है और उसके पैर पे बैंडेज करने लगती है। पर साकुरा को गुस्सा आ जाता है और वो तभी ताचीबाना उससे कहती है कि तुम अकेले जरूर हो, लेकिन तुमने अकेले रहना खुद से चूज़ नहीं किया होगा। मुझे लगता है कि इस टाउन के लोगों को तुम्हारी ज़रूरत है। और इस पर साकुरा कहता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है और इन सब में मुझे नहीं पढ़ना। तब ताचीबाना कहती है कि टाउन को तुम्हारी ज़रूरत है। इस पर साकुरा कहता है कि मुझे कोई नहीं चाहिए और इन सब में मुझे नहीं पढ़ना। तभी ताचीबाना कहती है कि तुम्हें मुझे क्यों बचाया और तुम्हें अभी लोगों पर भरोसा करना नहीं छोड़ा और मैं भी तुम्हारे पे भरोसा करना नहीं छोड़ूंगी और तुम मेरा साथ मत देना पर मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तब साकुरा को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन जाते जाते वो कहता है कि फाइट में भी कर सकता हूँ, अभी लोग क्या मेरे साथ रहेंगे। तब ताचीबाना कहती है कि मैंने देखा है कि तुम में अभी भी इंसानियत है, इसीलिए तुमने उस लड़के का बैग लौटाया। और तब ताचीबाना उन साकुरा के पैर पर बैंडेज करती है। तब साकुरा सोचता है कि ये सब नेबर लोग मुझे भी अपनाएंगे मेरे फ्लोज देखने के बाद। वो ये सोचते हुए एकदम उछल कर वहाँ पर मौजूद लड़के के मुंह पर किक मारता है और तब वो लड़का गिर जाता है, जिसको देखकर वहाँ पर आसपास मौजूद लोग चौंक जाते हैं और उसको हैरान भरी निगाहों से देखने लगते हैं। और यहाँ पर हमारा पहला एपिसोड इस सीरीज़ का ख़त्म हो जाता है।